ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी आंगलोंग के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूह के बीच समझौता हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृत संकल्प है। बकाया मामलों में निपटान हेतु तथा स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की है। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के करियर में भी सहायक होगा और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। न्याय प्राप्ति को सरल और सुगम बनाने के लिए भी देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। टेली लॉ प्रोग्राम के माध्यम से मुकदमों से पहले सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। विवादों के निपटारे में गति लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं है, बल्कि देश के कोटि कोटि नागरिकों की है। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है। ये सभी उपलब्धियां हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की लंबी यात्रा में एक तरह से मील का पत्थर है और आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणाएं भी हैं। वर्ष 2047 में देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूँ। आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।